पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को फ्रॉम एक्सपोजर टू हैजार्ड्स और इंजरी। इसका स्कोप यही है कि हमें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो है उसे हम लिमिट कर सकें, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर ऑफ हेड, आई, फेस, फुट, हैंड एंड स्किन। और कैसे? हम बाय यूजिंग सेफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्लव्स, कैप, फेस शील्ड, ग्लासेस, गॉगल्स। डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये एक स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग होता है या फिर हम इसे एक इक्विपमेंट कहते हैं जिसे कि हम वॉर्न करते हैं, पहनते हैं, ठीक, एम्प्लॉयज़ जो इसे पहनते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शियस मटेरियल से। टाइप ऑफ PPE यूज इन हेल्थ केयर, ग्लव्स, गाउन, मास्क, रेस्पिरेटर, गॉगल्स, फेस शील्ड, हेयर कैप, शू कवर। ग्लव्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे हैंड्स को, गाउन या फिर एप्रन कह सकते हैं वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को और क्लोथिंग को, मास्क जो है वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे माउथ और नोज़ को, रेस्पिरेटर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ताकि हमें एयरबॉर्न इन्फेक्शन ना हो, गॉगल्स हमारे आईज़ को प्रोटेक्ट करता है और फेस शील्ड जो है वो हमारे आईज़, नोज़, माउथ और फेस को प्रोटेक्ट करता है, हेयर कैप जो है वो हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा और शू कवर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फीट को। सीक्वेंस ऑफ डोनिंग PPE, क्या सीक्वेंस है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स में हमें PPE पहनना होता है। तो पहले तो सबसे पहले हमें गाउन पहनना होता है, फिर उसके बाद मास्क, फिर उसके बाद गॉगल्स और फिर उसके बाद ग्लव्स। अब कौन से सीक्वेंस है, कौन से सीक्वेंस में हमें रिमूव करना होता है PPE को? तो पहले हमें ग्लव्स को रिमूव करना होता है, फिर उसके बाद गॉगल्स को, फिर उसके बाद गाउन को और एट लास्ट हमें मास्क को रिमूव करना होता है। क्या पर्पस है PPE का? तो पर्पस यही है कि हम स्प्रेड जो हो रहा है इन्फेक्शन उसे स्टॉप कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्थ को, पेशेंट की हेल्थ को और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि अगर पेशेंट है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स उनसे मिलने आते हैं तो उनकी हेल्थ को भी हम प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्ट करते हैं कम्युनिटी की हेल्थ को और प्रोटेक्ट करते हैं केयर गिवर्स को इंजरी से, जैसे कि नीडल स्टिक इंजरी से।